रोजगार मांगने पर नौजवानों को पीटने वाली भाजपा सरकार के गिने चुने दिन बचे। यही नौजवान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर अहंकार चूर कर सबक सिखाएंगे कांग्रेस। यूपी की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश सरकार बीजेपी को सबकाने काम करेगी। नौजवानों से झूठे वादे कर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार ने अपनी चरित्र बार बार दिखाया है। उसे नौजवानों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवान पीड़ित है, उसे चिंता है अपने भविष्य की। भाजपा ने सरकार में 70 लाख रोजगार देने की बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं। मजबूरन नौजवान को सड़क पर निकलना पड़ रहा है, रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार नौकरी तो नहीं दे पा रही, उल्टा उनको पिटवा रहे हैं। नौजवानों से झूठे वादे कर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार ने फिर से अपना चेहरा दिखाया है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों, युवाओं और युवतियों पर जिस तरीके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार को नौजवानों की कोई चिंता नहीं। वो लोकतंत्र में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, नौजवानों की बात सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपने भाषण देना चाहते हैं। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई। 70 लाख नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार, जिसने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम सभी विभागों की विज्ञप्तियां जारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो जुमला निकला। प्रदेश में नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नौजवानों के मां बाप के दर्द को बिना परिवार वाले मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लगातार उनको आवाज उठाने पर पीटा जा रहा। जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इसी अहंकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान इस गिनी चुनी दिनों वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर मुख्यमंत्री के अहंकार को चूर करेगा, सबक सिखाएगा।